तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों अब हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है और इसका बहुत सारा कारण है जो कि हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर लोग थे वो सब अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, यानी अब अच्छे अच्छे नेता लोग अभिनेता बन रहे हैं। जैसे में मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, अब पवन सिंह। मनोज तिवारी अपने समय में बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म बना रहे थे, वहीं रवि किशन भी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म बना रहे थे जो कि सारी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं रवि किशन। वही बात की जाए दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में, तो ये भी एक कमाल के एक्टर थे जो कि बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्म दिए हैं और बहुत सारी इनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर सिनेमा घर में साबित हुई थी, इसीलिए इनको बोला जाता है सिल्वर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ। वही बात की जाए पवन सिंह के बारे में, तो पवन सिंह हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर वन सिंगर है प्लस एक्टर भी, और जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं सब लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए हैं। और बस हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और बहुत ही अच्छे कलाकार बचे हुए हैं जिनका नाम है खेसारी लाल यादव, और खेसारी लाल यादव अकेले क्या कर पाएंगे सबको पता है। जब तक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में 5-6 कलाकार अच्छे अच्छे नहीं रहेंगे तब से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ अकेले खेसारी लाल यादव के वजह से सिनेमा घर खड़ा नहीं रहेगा। एक और अच्छे कलाकार है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनका नाम है चिंटू पांडे, और इसके बाद हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अच्छा नहीं है। किसी का पेट निकल आए तो कोई टांग फैलाकर चलता है, ऐसे तमाम तरह के कलाकार लोग हैं जो कि इन लोगों से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अब सिर्फ खेसारी लाल यादव बचे हुए हैं जो कि इन्होंने भी ताल ठोक दिया है कि आज नहीं तो कल चुनाव लड़ेंगे, और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आप सभी को 2029 में खेसारी लाल यादव जी भी पक्का चुनाव लड़ेंगे। हाँ तो दोस्तों हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, सिर्फ भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री बची हुई है। बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।